नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। मंगलवार को झांसी के मौरानीपुर में आयोजित हुए तहसील समाधान दिवस में पुलिस का मानवीय चेहरा देखने को मिला, जहां फरियाद के लिए आई एक विकलांग महिला को कुछ महिलाएं सिपाहियों द्वारा सहारा दिया गया, जिसका वीडियो वहीं खड़े पत्रकारों ने अपने कैमरे में कैद कर लिया। मामला मौरानीपुर तहसील क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम भकौरा का है, जहां की रहने वाली एक विकलांग महिला मंगलवार को मौरानीपुर में आयोजित हुए तहसील समाधान दिवस में पहुंची थी, जहां उसने शिकायत करते हुए बताया कि उसने गांव के एक सचिव के पास कुछ पैसे जमा करने के लिए दिए थे, लेकिन अब वह उसके पैसे नहीं लौटा रहा है, जिसकी शिकायत उच्च अधिकारियों से करते हुए कार्रवाई करने की मांग की गई है। विकलांग महिलाओं को आते देख वहां खड़ी महिला सिपाहियों ने तुरंत सहारा देते हुए अपने कंधों पर सहारा देकर उसे सकुशल बाहर खड़े वाहन तक लाया गया। उक्त पूरी घटना वहां पर मौजूद लोगों द्वारा अपने कैमरे में कैद कर ली गई है, जिसके बाद महिला सिपाहियों की काफी प्रशंसा की जा रही है। क्या नाम आपका? किस गाँव से आई आप? क्या समस्या थी आपकी? हमारी जगन ने पैसा खा लिया, नहीं दिया 50,000 हमारे नाम है, 50 हमारे घर वाले। किस बात के पैसे खाए? अच्छा, हमने करे थे सब जमा, तो 10-12 साल हो गया। किस बात के पैसे जमा किए थे आपने? हमने पैसे हमने अपना मकान बेचो तो हमने कही अपने आगे की सुरक्षा के लिए करें, अब भी दे नहीं रहे। जगन कौन है जी? कुशवाहा। क्या कहता है? वो सचिव है। तो सचिव के पास जमा किए थे पैसे आपने? हाँ। तो वो क्या कह रहे हैं आपसे? वो कह रहा हूँ हमारे पास नहीं है। आप उनसे अभी आप मिली उनसे? और हम रोज मिलते हैं, हमने कल परसों कही हमने भैया हमें 2,000 दे दो, 5,000 दे दो ये इलाज के लिए। हमारे घर वाले को बीमारी हो गई, हम भी रख के हमारे लड़का का पाँव टूट गया 3 जगह से। किससे बड़ी शिकायत की आपने और कहीं? नहीं। अभी आप किससे शिकायत करने आई थी? यही आई। क्या कहा उन लोगों ने आपसे? हमें तो पता नहीं है। जो अधिकारी ने आपसे प्रार्थना पत्र लिया? घर वाले को पता चल गया।